नमस्कार, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सीएससी का जो डोमेस्टिक कनेक्शन का टैरिफ यानी कि डोमेस्टिक कनेक्शन का जो कंजम्पशन का जो रेट चार्ट है वो मैंने बताया था। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीएससी का कमर्शियल जो कनेक्शन का जो टैरिफ है यानी कि कमर्शियल कनेक्शन का जो कंजम्पशन का रेट चार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप लोग ये चीज़ तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सीएससी मेनली तीन तरह के कनेक्शन प्रोवाइड करती है। पहला डोमेस्टिक, दूसरा कमर्शियल और तीसरा इंडस्ट्रियल। तो मैंने डोमेस्टिक का रेट चार्ट ऑलरेडी बता दिया है यानी कि टैरिफ बता दिया है, और आज इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल का रेट चार्ट यानी कि टैरिफ आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस समय जो करंट वर्तमान समय में जो करंट टैरिफ है ये कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का कुछ इस तरह का है। फर्स्ट 60 यूनिट 6.28 रुपये के रेट से, उसके बाद नेक्स्ट 40 यूनिट 6.95 रुपया, उसके बाद नेक्स्ट 50 यूनिट 7.64 रुपया, उसके बाद फिर नेक्स्ट 150 यूनिट 8.20 रुपया, उसके बाद एभव 300 यूनिट यानी कि 300 यूनिट के ऊपर आप जितना भी कंजम्पशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, आपको 8.97 रुपया का रेट से आपको देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का पर यूनिट जो चार्ज देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा सीएससी कुछ अदर चार्जेस भी लेती है। जो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि डोमेस्टिक कनेक्शन में क्या क्या अदर चार्जेस लेती है, तो ये कमर्शियल कनेक्शन में भी मैं बताता हूँ कि क्या क्या चार्जेस सीएससी लेती है। देखिए, लिखा हुआ अदर चार्जेस, तो सीएससी अदर चार्जेस क्या क्या लेती है। जैसे लेती है MVCA यानी कि मंथली वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट 29 पैसा पर यूनिट, ठीक है, 29 पैसा पर यूनिट MVCA लेती है। उसके बाद में लेती है फिक्स्ड ये ऑब्लिक डिमांड चार्जेस 24 रुपया। तो देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिएगा दोस्तों, ये फिक्स्ड या डिमांड चार्ज जो है ये 24 रुपया से कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये सीएससी का एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये तय होता है फिक्स्ड और डिमांड चार्जेस। तो मैंने 24 रुपया नॉर्मली लगता है, लेकिन ये फिक्स्ड या डिमांड चार्जेस कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है ये फिक्स्ड या डिमांड चार्जेस, ठीक है। और किस मीटर के ऊपर, किस कनेक्शन के ऊपर फिक्स्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा और किस मीटर के ऊपर डिमांड चार्ज एप्लीकेबल होगा, इसका भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये 24 रुपया नॉर्मली लगता है, मैंने बताया, लेकिन आप लोग याद रखें कि ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन है, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं गवर्नमेंट ड्यूटी। देखिए, गवर्नमेंट ड्यूटी भी लगता है, लेकिन कम अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कम आता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगता है। लेकिन एक सर्टेन कंजम्पशन के से आप ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, यानी कि आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, एक लिमिट जहाँ जो है उससे ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है और आपका ज़्यादा बिल आ रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ड्यूटी भी एक क्राइटेरिया है, उसके अनुसार डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कमर्शियल कनेक्शन में गवर्नमेंट ड्यूटी लगे, गवर्नमेंट ड्यूटी तभी लग सकता है जब आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा इफ़ एप्लीकेबल। उसके अलावा मीटर रेंट 15 रुपया। देखिए, मीटर रेंट 15 रुपया लगता है, लेकिन ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, उनका क्राइटेरिया के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सा मीटर का कितना मीटर रेंट होगा, तो ये भी 5-10 रुपया कम बेसी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर आप लोगों को बताया। इसके अलावा एडजस्टमेंट अगर कोई है तो एडजस्टमेंट सीएससी एडजस्ट करती है। तो ये हुआ सीएससी का अदर चार्जेस। अब ये सारे अदर चार्जेस और उनका जो यूनिट कंज्यूम हुआ है, उन सारे को ऐड करके ग्रॉस अमाउंट आता है, ठीक है। उसमें से रिबेट, आपको एक रिबेट दिया जाता है, रिबेट को माइनस करने के बाद में नेट अमाउंट
चलाता है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दो पॉइंट, जिससे आप सीएससी का जो बिल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वेवर या एक्स्ट्रा रिबेट आप प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं आगे वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला है, इफ़ यू पे द बिल ऑनलाइन देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा रिबेट ऑफ 1%। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि अगर आप अपना बिल का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिबेट 1% मिलेगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप अपना बिल का पेमेंट हर महीना अगर ऑनलाइन करते हैं तो आपको सीएससी जो नॉर्मल रिबेट देती है कंजम्पशन के ऊपर वो तो देगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिबेट आपको 1% का देगी, तो ये एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। दूसरा है, इफ़ यू टेक ई बिल इंस्टेड ऑफ फिजिकल बिल देन एवरी मंथ यू विल गेट एक्स्ट्रा रिबेट ऑफ ₹5। यानी कि अगर फिजिकल बिल के जगह अब अगर आप ई बिल लेते हैं, यानी कि आपका बिल आपके घर पे बाय पोस्ट ना भेज करके फिजिकल बिल, अगर आपका बिल आपके ईमेल में भेजा जाता है जिसको ई बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल कहते हैं, तो अगर वो लेते हैं तो हर महीना आपको हर बिल में ₹5 का रिबेट या ₹5 के आप वेवर बोल सकते हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये ₹5 हर महीना आपके बिल में लेस करके ही आएगा अगर आप फिजिकल बिल के जगह ई बिल अगर लेते हैं तो। अच्छा, ये जो मैंने रिबेट बताया पहला वाला कि 1% आपको ऑनलाइन पे करने पर मिलता है, और इसके अलावा जो रिबेट एक और मैंने बताया कुछ कंजम्पशन के ऊपर एक रिबेट मिलता है, तो इन रिबेट का एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी मैं बता दूं। अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट ड्यू डेट के अंदर करते हैं तभी ये रिबेट आपको मिल पाता है, ये रिबेट के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं, यानी कि जो कंजम्पशन के ऊपर जो एक रिबेट दिया जाता है वो प्लस ये जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए रिबेट दिया जाता है वो, ये दोनों रिबेट तभी आपको मिल सकता है यदि आप अपना बिल ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करें तो, ये कंडीशन है। ठीक है, दूसरी बात जो है, ये जो ₹5 का रिबेट मिलता है ई बिल लेने पर, वो रिबेट आपको मिलेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद भी बिल पेमेंट करते हैं तो, ये ₹5 का रिबेट है ये आपको मिलेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आपको मिलेगा ही। ठीक है, कि अगर आप फिजिकल बिल के जगह ई बिल ले रहे हैं तो हर महीना आपके बिल अमाउंट में ₹5 लेस करके ही आपको भेजा जाएगा, तो ये ₹5 तो डेफिनेटली ये आपको हर महीने ₹5 का छूट मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप बताने के लिए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर लगता हो कि वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।